फाइनली गाइस हम लोग यहाँ तक पहुँचने में तो कोई परेशानी हुआ नहीं बरुईपुर में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यार बारिश आ गया था और हम लोग गीले हो गए, छाता भी नहीं था, पूरा का पूरा भीग गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को एंजॉय करिए। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि बरुईपुर का जो पार्ट वन है हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये हम लोग दूसरा बार जब जा रहे हैं वीडियो में आपको होटल के बारे में जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको समझ में सब कुछ आएगा, टाइमिंग से लेकर हर एक चीज़। पिछले वीडियो में मैंने बताया था और मैं आपको इस वीडियो में भी सब कुछ बताया हूँ, तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वीडियो को आप लोग एंजॉय करिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी को अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल द छतरी लाल पर फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जिस मैं सेंटर पे जाने वाला इस सेंटर पे ऑलरेडी आज से मैं 8 महीना पहले जा चुका हूं, ठीक है ना। तो मैं 8 महीना पहले गया था वहां पर, जिस सेंटर का नाम है बरुईपुर में जाने वाला हूं, GMIT में। तो इस वीडियो में मैंने इससे पहले जब गया था तो सियालदा से कैसे जाना था वो मैं बताया था, और मैं आज भी हावड़ा से सियालदा जाने वाला हूं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे हैं हावड़ा का हिस्टोरिकल ब्रिज है, ये हावड़ा का ब्रिज, ठीक है। तो अभी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ हावड़ा ब्रिज के बाहर खड़ा, तो स्टेशन से बाहर हूँ अभी मैं, तो मैं आज यहीं से पहले सियालदा जाऊँगा बस से, फिर उसके बाद वहाँ से बरुईपुर जाऊँगा। पिछले बार जो हमने वीडियो बनाया था इसे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आया था, आप लोगों ने आपको बहुत सा प्यार दिया था और बहुत सब लोगों को हेल्प हुआ था। और आज भी वीडियो लोग जब देख के जाते हैं उनका, आप कमेंट्स देख सकते हैं स्क्रीन पर हम दिखा रहे, देखिए उन लोगों को कितना बढ़िया प्यार मिला हुआ है, ठीक है ना। बहुत से लोग सबको सपोर्ट में हेल्प हुआ था जाने में, तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो में खास बात यह है कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बरुईपुर में आप लोग के ठहरने का जो जगह है वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि होटल कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स आता है कि सर बरुईपुर में हमें होटल कहाँ पर ठहरने के लिए क्या व्यवस्था है। तो मैं वहाँ जाऊँगा और आपसे क्या रेट है और क्या प्राइसेस है मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, हर एक डिटेल्स मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो बट वीडियो को एंजॉय करिए हमारे साथ, और यहीं से हम आज हावड़ा से बस पकड़ेंगे, पहले जाएंगे बस पकड़ कर सियालदा और सियालदा से फिर हम लोग जाने वाले हैं बरुईपुर। तो होटल मिलेगा, कितना रेट है सब कुछ जानने को मिलेगा। और हाँ, मैं यहाँ का टाइमिंग बताऊंगा कि क्या टाइम हो रहा है अभी, जिस टाइम मैं अभी जो जहाँ पे खड़ा हो गया वीडियो को फिलहाल बना रहा हूँ, तो ये सुबह का 9:30 बज रहा है, ठीक है ना। सुबह का 9:30 मैं अभी यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ सियालदा ना मुझे कितना टाइम तक लगता है, और वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो आई होप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि और भी आपको आने वाले समय में जहाँ भी आपका एग्जाम पड़े हम लोग हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि भारतवर्ष में एक ओनली यही एक चैनल है जहाँ पे आपको इस एग्जाम सेंटर के बारे में गाइड प्रॉपर किया जाता है और हर एक सेंटर का वीडियो मिल जाएगा, जैसे उड़ीसा हो, बंगाल हो, बंगाल को और मैंने हम लोग तो पूरा कवर कर ही दिया था। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग होटल के बारे में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग होटल के बारे में बहुत पूछते हैं कि होटल कहाँ मिलेगा, तो सब कुछ दिखाएंगे। अकेला है ना, आज हमारे साथ भाई भी है। हाय दोस्तों, देखिए ये बस स्टैंड आ गया, यहाँ पर सब बस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस है, यहाँ से पहले हम सियालदा जाएंगे। तो गाइस यार हम लोग बस पकड़ लिए हैं यहाँ से, तो जब बस पकड़े हैं तो यहाँ से 9:40 हो रहा है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से सियालदा जाने वाले हैं, तो नज़ारा भी देख लेते हैं इस एरिया का, जो रेल लाइन का जो पटरी देख रहे हैं ये ट्राम गाड़ी का है, ठीक है ना। और देखिए काफ़ी पुराने पुराने इमारत है, बिल्डिंग है ये सब। अभी सुबह का टाइम है, तो गाइस हम फाइनली यार सियालदा स्टेशन के बाहर जो बस जहाँ मुझे उतारा, बस स्टैंड जो है यहाँ पर मैं उतर गया हूँ, ठीक है, ये घंटाघर के सामने। और वो जो दिख रहा है ये सियालदा स्टेशन है, तो मैं अब जा रहा हूँ स्टेशन और यहाँ से मैं जाऊँगा आपका क्या कहते हैं बरुईपुर स्टेशन। तो गाइस ये है सियालदा स्टेशन के बाहर का, ठीक है ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं। तो अभी जो मैं बस से इस साइड में यहाँ उतरा था, जो घंटाघर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इधर से मैं आ रहा हूँ अभी। तो काफ़ी खूबसूरत है यार यहाँ का नज़ारा, बहुत ही मस्त लग रहा है, ठीक है। तो अब जब आएंगे तो आपको देखने को अच्छा लगेगा, यहाँ पर मिलेगा। और ख़ास करके मुझे जो यहाँ का सबसे बेहतरीन जो अच्छा लग रहा है ना, अपना जो प्यारा झंडा, ये जो सीन है ना, वाकई में इस चीज़ को यहाँ का जो लोकेशन है इसको बहुत ऑसम बना रहा है। तो चलिए यार हम चलते हैं स्टेशन के अंदर और
ट्रेन पकड़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। गाइस हम चलते हैं अब सियालदह स्टेशन के अंदर इन करते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लग रहा ना यहाँ का जो, और सबसे बेहतरीन ये जो देख रहे हैं ना, ये मेरा दिल को भा गया यार। गाइस हम अभी सियालदह स्टेशन के अंदर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं जिधर जा रहा हूँ साउथ लाइन की तरफ, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सियालदह का जो साउथ लाइन है, तो अभी मैं सियालदह के साउथ लाइन में जा रहा हूँ और वहीं से मुझे ट्रेन मिलेगा, और इधर से आपको क्या कहते हैं दूसरे रूट में जाने के लिए मिलता है। गाइस आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए सियालदह का इस साइड का जो एरिया है, साउथ सियालदह लिखा हुआ है यहाँ पर, सियालदह साउथ। तो बरेलीपुर जाने के लिए आपको इधर से ही ट्रेन मिलेगा इसी रूट की तरफ से, ट्रेन मिल गया है, ठीक है ना। 10:12 में यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और ये जो ट्रेन है आपको बता दें बरेलीपुर जाने के लिए फिर से 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, ठीक है ना। यहाँ पे इतना सारा प्लेटफॉर्म है जो आपको बरेलीपुर जाने के लिए, यहाँ पे आपको ट्रेन मिल जाएगा। तो ये जो हावड़ा से जब आ रहे थे सियालदह, सियालदह से आने में मुझे करीब लग गया था यहाँ पर 20 मिनट का सफ़र लगा, 20 मिनट में मैं सियालदह स्टेशन पहुँचा, ठीक है ना। 10:12 हम ट्रेन पकड़े थे, तो अभी ट्रेन पकड़ लिया, ट्रेन के अंदर ही है, और साथ में मेरा जो दोस्त है ये भी बैठा हुआ है यहाँ पर। होटल के मेन तो फोकस आज होटल होने वाला है, तो आपको मैं होटल के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि वहाँ पे ठहरने के लिए आपको। देखिए इस साइड का बरेलीपुर का एरिया, इसका अगला स्टॉपेज बरेलीपुर है, हम लोग पहुँचने वाले हैं, और इधर बारिश शुरू हो गया है। जैसे हम लोग बरेलीपुर पहुँचने वाले हैं यार, यहाँ जाते बारिश शुरू हो गया है यार, कैसे जाएंगे हम लोग, यहाँ तो काफ़ी तेज बारिश होने लगा है, कितना तेज बारिश हो रहा है यार, पूरा फंस गया। भाई यार हम लोग के पास कोई छाता वाता भी नहीं है, भाई कैसे जाएंगे यार, क्या होगा देंगे पूरा। पहले हम लोग बरेलीपुर पहुँच भी गए हैं, तो ये बरेलीपुर स्टेशन आने वाला, बारिश के साथ में शुरू हो गया है। तो गाइस फाइनली हम लोग यार बरेलीपुर स्टेशन पहुँच गए हैं। शायद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को दिखाया था, पिछला जो इससे पहले जो मैं बनाया था, तो यही बरेलीपुर पहुँच गए। पिछले बार मैंने आपको जो फ्लैग था वो दिखाया था, उधर हमें जाना नहीं है, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट में जाना है, हमें इस साइड में जाना है, ठीक है। और मैं इसमें पहले भी जो आपको जो बरेलीपुर का जो लोगो था जो दिखाया था स्टेशन का, यही दिखाया था, आज भी मैं इसी को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए बरेलीपुर जंक्शन, और फिर से एक बार दिखा दूँ आपको लैंडमार्क के लिए, वो जो फ्लैग है हमें उधर नहीं जाना है, हमें जो मेरा मित्र को देख रहे हैं जो सामने खड़ा है बैक साइड करके, ठीक है ना, इधर ये जा रहा है। तो आपको शायद याद होगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो देखा होगा या जो नहीं देखे हैं, तो हमने ये जो फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं गया था, लेकिन मैं आज जाऊंगा फ्लाईओवर के, आज मैं रूल को फॉलो करूंगा, क्योंकि पिछला वीडियो में मैं ट्रैक पकड़ के वो जो एक रेड रंग का जो घर दिख रहा है, मैं उसके पास से गया था, ठीक है, हनुमान जी का मंदिर के पास, लेकिन मैं आज वहाँ से नहीं जाऊँगा ट्रैक से, लोग जाते हैं, लेकिन मैं आज रूल को फॉलो करूँगा और मैं इस फ्लाईओवर से बाहर निकलूँगा और फिर मंदिर के पास जाऊंगा, ठीक है ना। गाइस जब मैं पिछला बार जब गया था, तो वो जो लाल रंग का जो घर दिख रहा है ना, मैं वहीं से गया था, ये ट्रैक पकड़ के जो सब लोग जा रहे हैं वहाँ से नीचे से, मैं यहीं से गया था, ठीक है। वो जो टावर देख रहे हैं ना, तो टावर काफ़ी दूर है, वो जो लाल रंग का जो घर दिख रहा है आपको, लाल रंग का मेरा फिंगर का सोजा सोजी, वहीं जाऊँगा, ठीक है ना। जैसे जैसे मेरा मित्र जा रहा है आगे आगे, इसको आप लोग फॉलो करिएगा, जिधर इसका फेस है, मतलब इसका जिधर साइड में बैक साइड है इसका, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोग यहाँ बाहर निकलेंगे, आपको यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का एक स्टैचू है, वो देखिए। भाग भाई जल्दी, बारिश भी आ गया। स्टेशन से मैं बाहर निकला फ्लाई ओवर के ऊपर से, वो फ्लैग दिख रहा है और सामने स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू भी है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से बाहर निकलना है, और देखिए पीने के पानी की टंकी भी यहाँ पर है, और ये बाहर निकलना है स्टेशन से। मुझे जब निकला इधर से, तो मैं अपना लेफ्ट साइड मुड़ा, लेफ्ट साइड मुड़ के मैं फ्लाईओवर से जब निकला था, तो इसी रास्ते से मैं अभी आया, और देखिए यहाँ पे टोटो लगा हुआ है, ठीक है ना। और जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको जो दिखा रहा था स्टेशन से जो लाल रंग का घर, तो यही घर है। तो अब जब स्टेशन से अगर आप आते हैं ना, तो ये देखिए जो ब्रिज दिख रहा है, इस रास्ते से मैं पिछला वीडियो में आया था, ठीक है, ये लाल रंग का घर। अगर आप जब इधर से आएंगे, तो आपको यहाँ पर इस रास्ते से आएंगे, तो आपको हनुमान मंदिर दिख जाएगा। देखिए हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको यहीं से दिखाया था, उस टाइम मैं इधर से आया था, ठीक है। तो ये मंदिर है हनुमान जी का, और अभी मैं इधर से आ रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ चलूँगा GMIT। गाइस आप लोगों ने जो ये टोटो कैसे यहाँ से पकड़ना है, मैंने यहाँ तक जो आपको सब कुछ दिखा दिया। तो चलिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो आप मैं सियालदह से 10:12 में ट्रेन पकड़ा था, और यहाँ मैं 11 बजे तक पहुँचा, तो क्या टाइम लगा आपको, ठीक है। और अब मैं यहाँ से टोटो से जा रहा हूँ GMIT, जो इस कॉलेज है
जहाँ पे आप लोग एग्जाम उग्जाम करते हैं, अब वहीं मैं जाने वाला हूँ। चलिए मैं टोटो में बैठा हूँ, तो यहाँ से जो टाइम लगेगा मैं भी आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा कितना टाइम। भाई हम लोग फाइनली यार यहाँ पहुँच गए हैं, बरेलीपुर जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है ना। तो इसका ये जो गेट है इधर से, पिछला बार जब हम आए थे तो दूसरा गेट से एंट्री किए थे, और ये यहाँ से जाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरह का देखने को सब कुछ आपको मिलेगा, नाश्ते के लिए चाय पानी सब मिल जाएगा यहीं पर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपको रहने के लिए क्या है, उसके बारे में जानकारी आपको। तो गाइस मैं आपको अपना जो आप लोग का जो सेंटर था जहाँ से एंट्री किया जाता है, मैं इस बार वो आपको दिखाया था, ठीक है ना। पिछले बार जब वीडियो में आया था तो मैं जो दूसरा ही गेट था इसी का जहाँ से एंटर करते हैं उधर से आया था, और इस बार जो ये मेन गेट जहाँ पे देखा आप लोग TCS लिखा हुआ था, तो इस बार मैं इस गेट से आपको दिखाया वीडियो, क्योंकि इधर आने का दोनों जो रास्ता था, आप GMIT को ले जा रहे हैं तो आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है, चाहे उस गेट से आइए चाहे इस गेट से आइए, ठीक है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टोटो वाले जो आपको जो सवारी यहाँ पर लेके आएंगे वो छोड़ देंगे, दिक्कत होने वाला एकदम नहीं है। तो अब सवाल रहा होटल के बारे में, तो मैंने यहाँ पूछा और वहाँ पर भी मैं गया था, दोनों जगह मैं गया था, दोनों जगह बात किया अभी। तो पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ पर आपको जीरोक्स का दिक्कत नहीं होने वाला, जीरोक्स का दुकान यहाँ पर है, लेकिन आप यहाँ का भरोसा में मत आइएगा, आप बाहर से ही करके आइएगा, घर से आ रहे हैं तो लेकर ही आइए, कोई दिक्कत ना हो, और आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा जीरोक्स का दुकान, ठीक है। और यहाँ पे रहने के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कोई खास बड़ा होटल वगैरह कुछ है नहीं, यहाँ का जो लोकल जो निवासी है ना, जो यहाँ पे जो लोकल बंदे रहते हैं, जो इनका घर है यहाँ पर, तो आप लोग को यही रूम प्रोवाइड कर देंगे, और जो पेमेंट होगा 200, 300 या 400 जो भी होता है एक रात का जो लेंगे यहाँ पे, उन पे डिपेंड करता है वो लोग क्या चार्जेस करते हैं, क्योंकि हमने एक दो घर में यहाँ काफ़ी सारे घर में मतलब हर घर में आपको मिल जाएगा रहने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे अवेलेबल, मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और किस गेट पर जिस गेट को भी मैं वीडियो आप लोग देखा TCS यहाँ पर लिखा हो ये भी, और इससे पहले जब मैं आया था जहाँ पर GMIT किस गेट पर लिखा हो जिस गेट पर भी आपको वहाँ पर भी होटल था, जीरोक्स दुकान है, होटल है, लॉज है, सब कुछ, मतलब होटल नहीं है लॉज ही है, लॉज टाइप का है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर फैसिलिटी है, दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार और मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि अगर आप कहीं से भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले अगर आप, इससे पहले मैं सियालदह आपको दिखाया था और इस बार भी सियालदह है, तो चलिए मैं आपको बता दूँ हावड़ा से कैसे, हावड़ा से आ रहे हैं तो पकड़ो देखा मैंने बस पकड़ा, बस से सियालदह आया करीब मुझे 20 मिनट लगा, और फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ा, और ट्रेन पकड़ के जब यहाँ क्या कहते हैं बरेलीपुर आया तो मुझे 50 मिनट का समय लगा, और उसके बाद यहाँ तक मुझे आने में 10 मिनट का समय लगा टोटल, तो यही मेरा टाइम है। तो इस तरह का मेरे को सब कुछ टाइम लगा एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में, बरेलीपुर जो GMIT कॉलेज है। तो आई होप आप लोग ये समझा होंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और एक चीज़ बता दें कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब मैं हावड़ा से सियालदह का जो दूरी तय किया वो कितना मिनट में तय किया, आप हमें कमेंट करके बताइए। आई होप आप वीडियो को समझाओगे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।